एक बार फिर मौसम का मिजाज झारखंड में बदलने वाला है। बुधवार यानी 2 फरवरी से फिर से मौसम में बदलाव होगा। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश होगी। 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी संथाल और कोल्हान, मध्य छोटा नागपुर और दक्षिणी कोल्हान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है, ड्राई रहा है और जो सबसे अधिकतम तापमान है वो 26.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो 5.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो 2 तारीख से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को हिट करेगा और उसके असर से 3 तारीख में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिमी राजस्थान में इसके बनने की संभावना जताई जा रही है और उसके असर से जो लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है वहां पे कॉन्फ्लुएंस होगा लोअर लेवल वेस्टर्लीज का जो पश्चिमी विक्षोभ से जो असर से थे और साथ साथ में जो ईस्टर्लीज था जो बंगाल की खाड़ी से जो आ रहे थे, तो इन दोनों के जो कॉन्फ्लुएंस है वो झारखंड में आपको 3, 4 और 5 में बारिश देखने को मिलेगी और जो सिस्टम है उसका जो मेन इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा 3 तारीख के देर रात से 4 तारीख तक आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 5 तारीख में बारिश एकदम कम हो जाएगी और 6 से जो है मौसम एकदम ड्राई हो जाएगा और सुबह में धुंध कोहरे के बाद आसमान एकदम साफ हो जाएगा। अब